काफी डीलरों ने ब्लैक भी करा इस कार को डबल पैसा लेके। वेलकम बैक माई YouTube चैनल, माई नेम इज संजीत सिंह एंड यू वॉचिंग माई चैनल संजीत एस किंग। तो गाइज बारिश हो रही है यहाँ पे, सो मैं आया था यहाँ पे कि हम अपने इस महेश ने अपने दोस्त ने ली है विंटेज कार, जापानीज मॉडल है मारुति 800 है। तो मैंने सोचा मैं आपको ये कार दिखाऊंगा, इसके फीचर्स बताऊंगा कि पहले ज़माने में कि क्या फीचर्स होते थे, कैसी हेडलाइट है और किस तरीके से चलने में है। वैसे मैंने इसका एक व्लॉग बनाया, इस वीडियो के बाद आपको वो व्लॉग देखने को मिलेगा। तो बट आज हम इस कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं महेश से। तो ये है यहाँ पे ड्रॉर्स, ये दरवाजा है, कैसे एकदम फीलिंग आती है कि हाँ पुराने ज़माने का है, टीन जैसा फीलिंग आती है, बजता है। शीशे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो ये शीशे महेश सर ये पहले के ही हैं? ओरिजिनल है, ऑल ओरिजिनल। ओके, और ये जो साइड मिरर है ये ओरिजिनल है सर? नहीं नहीं, ये अलग से लगवाए हुए हैं। अच्छा, ये अलग से लगवाए हुए शीशे हैं साइकिल वाले। सो ये इसका देख ही लिया होगा कोठारी कार वाला, ये कार्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, विंटेज कार्स, न्यू कार्स, ओल्ड कार्स, फलाना कार्स। तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसका ये फ्रंट लुक आप देख लो कितना मस्त लगता है। अभी हम आ रहे थे ना, काफ़ी लोग इसे देख रहे थे और पूछ भी रहे थे। तो ये इसके सामने से हेडलाइट्स कुछ ऐसी हैं और ये यहाँ पर बारिश की बूंदों की वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, टपक टपक टपक। तो ये इसमें कुछ ऐसे और यहाँ पर 800 का लोगो दिया हुआ है। तो इंडिकेटर चलते हैं, इसके इंडिकेटर चलते हैं। तो गाइस ये था, एक ऐसी कार है, मैं रिव्यू नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कार ऐसी है कुछ। इंडिकेटर्स चलते हैं इसके आज भी, हैलोजन बल्ब दिया हुआ है। बारिश हो गई है बहुत तेज, हम चलते हैं अंदर, मैं आपको बैक साइड का इसमें दिखा देता हूँ। तो ये है बैक साइड इसका, दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं। ये बाद में लगवाया क्या इंडिकेटर? हाँ, दोनों साथ चलते हैं। हैजर्ड लाइट होती है कार में ना? अच्छा, ऑलरेडी होती है कार्स में। तो ये एग्जॉस्ट इसका ऐसे है, महेश एग्जॉस्ट सुना दे यार एक बार बिल्कुल अपनी जॉन जनता जनार्दन को। एग्जॉस्ट तो बहुत सही है भाई, ठीक है, एग्जॉस्ट बहुत सही है, बस ठीक है। तो ये इसका एग्जॉस्ट था, काफ़ी सही एग्जॉस्ट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल लुक है इस कार की। तो अब चलते हैं कार के अंदर, महेश से बात करते हैं। ओह माय गॉड। तो गाइस, तो अभी हम आ गए इंटीरियर में और फ्रंट में। यहाँ पे स्टीयरिंग, महेश ये स्टीयरिंग ओरिजिनल है ना? बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल। तो इसमें यहाँ पे हॉर्न, क्या दो हॉर्न बजते हैं? नहीं नहीं, हॉर्न के दो बटन है, मतलब यहाँ से भी आप हॉर्न बजा सकते हो, यहाँ से भी। ओके, दो दो हॉर्न है इसमें, ठीक है। ये हैजर्ड लाइट का हो गया, ये आपका वाइपर्स के लिए हो गया, वाइपर्स। ओके, बिल्कुल वाइपर्स के लिए। तो और ये आपका जो लाइट के इंडिकेटर्स के लिए हो गया, और यहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, ये देखिए। तो ये आपको दिखा देंगे ऑन ऑफ करते हुए कैसी लगती है। बाकी ये इसका जो है मीटर है सामने का, सिंपल है, उस समय का कोई ज़्यादा इसमें साइंस या कुछ इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। मेनली पहले आता है स्पीडोमीटर, ठीक है, 140 की स्पीड है, लेकिन अभी हमने 90 या 100 तक की जाती है, ठीक है। और नीचे ये जो है हाई बीम के लिए इंडिकेशन है, अगर हाई बीम आती है तो, अगर हम हाई बीम करते हैं तो ये लाइट जल जाती है अपने आप। हाँ, तो इस साइड पे भी काफी साइड में, इस साइड में आपको एक तो टेम्परेचर के लिए फ्यूल गेज मिल जाता है और एक टेम्परेचर गेज मिल जाता है। ये टेम्परेचर गेज चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोल्ड और ये हाई के लिए। यहाँ आपका जो मीटर आपको बताता है कि कितना, बिल्कुल बिल्कुल, कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। ये फ्यूल का है, इंडिकेटर के लिए है, या ऑयल के लिए है, और ये बैटरी के लिए, बस इतना ही होता है, ज्यादा कुछ इसमें। फिर भी उस टाइम के हिसाब से काफी ऑप्शंस हैं इसमें। और उस समय जो ये कार थी, ये काफी ज्यादा कह सकते हो कि जो डिमांड में थी, मेनली 84 में लॉन्च हुई थी ये, 84 दिसंबर में, 83 में जो है ये कार लॉन्च हुई थी दिसंबर में। तो फर्स्ट कार ये एक जो इंदिरा गांधी जी थे हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कार बाय जो कहते हैं पर्ची, एक ड्रॉ निकाला, उसमें जिसका नाम आया सबसे पहले उसको ये कार दी। वो एक दिल्ली में थे, शायद आर्मी के ऑफिसर थे, मैं फ़ोटो भी लगाने के लिए कह दूंगा, आप देख सकते हो इंदिरा गांधी उनको चाबी पकड़ाते हुए दिख रहे हैं इसमें। और तो फर्स्ट गाड़ी उनके पास आई थी, और ये उस समय जो इसकी कार की प्राइस थी वो 48,000 से लेके 52,000 के बीच बीच में थी। ये एक ऐसी कार थी कि ऐसी मारुति सुजुकी ने ऐसी कार बनाई कि जो
हर इंसान खरीद सके। उस समय भी वैसे देखा जाए तो 48,000 बहुत थे, वो आज भी बहुत है 48,000, लेकिन मेरे लिए काफ़ी क्रेज रहा। 2 से 3 साल तो इस कार की वेटिंग रही, काफ़ी डीलरों ने ब्लैक भी करा इस कार को डबल पैसा लेके, जो 48,000 था वो लगा लो 1 लाख लेके ये कार दी है, इतना ब्लैक हुआ, इतना क्रेज था इस कार का। और 800cc का इसमें इंजन है, 3 प्लग्स हैं इसमें, तो 12 प्लग्स का इंजन है इसमें। इंजन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओरिजिनल इंजन है, स्टॉक इंजन है इसमें। और इंटीरियर कुछ ऐसा है इसका, इसमें एसी नहीं आता था लेकिन फ़ैन आते था, तो फैन, ये फ़ैन है, बिल्कुल बिल्कुल ये फ़ैन है, ये फ़ैन है, चलते हैं बाकी यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल फैन चलते हैं। और ये क्या है फैन? ये देखिए ये वेंट है, ये आप हवा का कहाँ से करना है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और ये क्या ऊपर? ये आप जैसे कि ये फ्रेश एयर आएगी बाहर से, और अगर यहाँ पे कर दोगे तो जो अंदर की हवा है वही लेती रहेगी, तो हमें इसको फ्रेश पे कर रखा है। ये यहाँ इसके स्पीड्स हैं, हाई फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर एसी के बटन। तो ये इसका ग्लव बॉक्स है, थोड़ा अभी अच्छी हालत में नहीं है उसे, तो ये मैंने माइक्स और ट्राईपोड रखे हुए, पेपर्स कंप्लीट हो चुके, तो हाँ यहाँ कुछ जगह मिल जाती है रखने के लिए। डैशबोर्ड काफ़ी सही है, नॉर्मल। और पीछे से आप दिखा सकते हो, पीछे से मतलब उस समय के लिए काफ़ी अच्छी कार थी, जगह ठीक है, 4 बंदे बैठ सकते हैं, 5 में मुश्किल हो जाएगी, 5 नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन 4 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और आपको मैं पीछे एक चीज़ दिखा देता हूँ इसके, अगर हम बाहर आए तो गाइस, सबसे ज़्यादा मुझे इस कार का जो पसंद है, एक तो इसका कलर काफ़ी यूनिक है, ठीक है, और एक ये चीज़ है जो इसका बैक पोर्शन है, सिर्फ ये ग्लास निकलता है, ऐसा नहीं है डिग्गी निकलती है, तो ये मुझे काफ़ी एक यूनिक और अच्छा तो लगता है कि ग्लास निकल रहा है, अलग सा लगता है, लोग देखते हैं कार को। और टफन ग्लास है, बहुत मजबूत होता है, इतनी जल्दी टूटता नहीं है। और इसका देख सकते हो बम्पर भी जो काफ़ी ऊपर करे हुए हैं, जो अगर हम आज की कार देखते हैं तो बहुत नीचे होते हैं, यहाँ तक होगा नीचे, लेकिन ये ऊपर बम्पर है, तो इससे लुक अलग सी लगती है कि भाई हाँ पुरानी कोई कार है। तो इससे कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ती है, हाँ इस कारण, क्योंकि अगर हम कहीं लेके जा रहे हैं उबड़ खाबड़ रास्ते में तो ये थोड़ा आराम से चली जाएगी, नीचे टकराएगा नहीं या बम्पर पे लगेगा नहीं। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये लाइट जब लोगों के पास जाती, जब हम रास्ते में चलाते हैं इसको तो लोग बहुत देखते हैं, अभी संजीव जी ने भी देखा, काफ़ी लोग देख रहे थे इस कार को, तो देखते हैं। और कई जिनको ज़्यादा नॉलेज होता है, पसंद होती है, तो वो फोटो भी खिंचवाते हैं इस कार के साथ। तो इस कार की यार मैं आजकल क्या माइलेज चल रही है? माइलेज करने को बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज देते हैं लोग, क्लेम करते हैं 24 की एवरेज देती है, और आज के पेट्रोल का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग अगर ये 24 की एवरेज दे रही है तो बहुत अच्छी दे रही है, 18-20 तो नॉर्मली मेरे हिसाब से देती ही देती है। और इसका मैं आपको इंजन भी दिखाता हूँ, तरीके एक अंदर से पहले प्लग होता है उसको खींचना होता है, फिर इसको ऐसे करके, तो ये इसका ओरिजिनल इंजन है, देख सकते हो फुली ओरिजिनल 800cc का, इसमें कुछ लिखा छोटा सा, काफ़ी छोटा कंपार्टमेंट है, ये देखते हो यहाँ इंजन है, ये रेडिएटर मिल जाता है, बैटरी है, ये वाइपर के लिए पानी यहाँ रख सकते हो, और तो काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि उस समय ऐसे ही था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट ये भी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त के टाइम में टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आज तक चलती आ रही है, आज चल रही है आज भी, तो आप सोच सकते हो कि जो उस समय जो चीज़ बनती थी काफ़ी ज़्यादा सही रहती थी, आज का तो ये है कि 10 से 15 साल चलती है बस। तो गाइस इस कार में जो गियर हैं 4 गियर आते हैं, फ्रंट 4 और पीछे का एक जो है रियर 5th गियर होता है, टोटल 5 गियर्स है इसमें, तो और 800cc का इंजन। ऐसा ये थी कुछ इस कार के बारे में इंफॉर्मेशन जो मेरे दोस्त ने खरीदी थी कार, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये कार कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। क्या है ना, मैं कार के रिव्यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बाइक के रिव्यूज़ करता हूँ, सो कार के रिव्यूज़ ये करता है, तो आप इसके चैनल को भी सर्च कर सकते हो कोठारी कार वाला। एंड मिलते हैं अगले किसी नए ब्लॉग में।